बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, तो आज हमारे किचन में बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनने जा रही है जिसका नाम है काबली पुलाव। और ये पेशावर की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और ये हम सबको बहुत पसंद है। और इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने शेल्फ़ पे इसी वजह से नहीं रखे क्योंकि मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता और ना ही मामा को पता है। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स भी हम आपको बताएंगे, फुल मेथड भी बताएंगे। और ये रेसिपी आज हमारे किचन में बनाएंगे मेरे मामू, क्योंकि वो ये रेसिपी बहुत मज़े की बनाते हैं हमारे घर में और उनके हाथ का काबली पुलाव बहुत ही फेमस है। और ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और मेथड तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मामू ने जो जो चीज़ें मुझे कहा थी कि रेडी करके रख लो, तो वो मैंने कल रेडी कर लिए। पतीले शतीले रख लिए मैंने, प्याज ये इतना काट लिया है और सलाद चटनी पहले से मैंने रेडी कर लिए, ताकि किचन में हमारा फोकस सिर्फ हमारी रेसिपी की तरफ हो, काबली पुलाव। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है, मुश्किल है कि ईजी है, लेकिन सारा फोकस हमारा इस तरफ होगा तो रेसिपी अच्छी बनेगी। तो सलाद चटनी हमने पहले से रेडी कर ली है। वैसे तो ये डिश बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है और इस ये ऐसी डिश है इसके साथ हमें सलाद चटनी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसलिए बना के रखते हैं ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। खाने के दरमियान में हम थोड़ा सा सलाद चटनी यूज़ कर सकते हैं या खाने के आखिर में, तो ये इसलिए मैंने बना ली। और स्पेसिफिक सा जो मैंने आपको बताया है पहले भी अपनी वीडियो में, तो ये सलाद चटनी है और ये पतीले शतीले। तो अभी मामू आएंगे, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको हम लोग बताएंगे कि वो कैसे होता है और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स और क्या मेथड है, वो सारा कुछ आपको फिर मामू ही बताएंगे और मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। और आज मैंने बहुत सारा प्याज काटा है, ये वाला भी काटा है और ये सलाद में भी काटा है, और मेरी आँखों से बहुत आंसू निकले हैं। और मैंने ये सुना है कि जिस लड़की की आंखों से प्याज काटते हुए बहुत ज़्यादा आंसू निकले तो उसकी सास उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो मैंने तो सिर्फ सुना है, मुझे कोई कंफर्म पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि ये कंफर्म बात है, जिस लड़की की आंखों से ज़्यादा आंसू निकले उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो बस अभी मामू आएंगे, फिर अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह। घी डाला कितना? ये करीब 400 ग्राम घी है। सही है। और ये घी 2.5 किलो चावलों के लिए। सही। इसमें आधा किलो गाजरे डलेगी और आधा किलो लाल मेवा काबली डलेगा। ओके। और तकरीबन ये चिकन है, ये चिकन में हम काबली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये बीफ से भी ज़्यादा लजीज होगा। ओके। और जायकेदार होगा। ये चिकन है तकरीबन साफ किया हुआ, धोया हुआ, ये करीब 2.5 किलो ये चिकन है। सही। ये 2.5 किलो चावल है और 2.5 किलो चिकन है, ठीक है ना। आधा किलो गाजर है और आधा किलो ये लाल काबली मेवा है, ठीक है। इसके अलावा ये 3 पाव प्याज लिए हैं, उनको छील के और उसके बाद उसको कटिंग की हुई है। सही है, ठीक है ना। ये घी गर्म हो जाए तो फिर हम ये प्याज डालेंगे। ओके। ये काम क्यों किया? लकड़ी वाला चमचा दे दो, ये 3 पाव से ज्यादा है। ज्यादा है, सही। इसको थोड़ा सा बस फ्राई किया है 2-3 मिनट 4 मिनट और उसके बाद चिकन डाल दिया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि चिकन अपना सारा पानी छोड़ दे और ये प्याज इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाए, बेहतरीन ये तैयार हो जाएगा। इसको फिलहाल के संभाल में इसमें डालने की जरूरत नहीं। अदरक डाला था इसमें? हम इसमें डाल लेंगे। नमक
इसमें चावल डालते वक्त हम और भी नमक डालेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें हम सिर्फ दो चम्मच, दो खाने के चम्मच नमक डालेंगे, 2.5 किलो गोश्त। ये ढक्कन हटा दिए और कलर चेंज हो गया चिकन का, कलर भी चेंज हो गया, लेकिन अभी इसमें काफी टाइम है तो हमें अच्छी तरह भूनना है। मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं किया, हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। डेढ़ खाने का चम्मच इसको मजीद थोड़ी देर पकने देंगे ताकि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। सही है। ये आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, चिकन को हमने अच्छी तरह इसको भून लिया है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें इतना सारा प्याज हमने इसमें डाला था और वो बिल्कुल गायब हो गया और वो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता और ये चिकन अच्छी तरह नहीं भुना गया होता उस वक्त तक इसमें पानी नहीं डाला जाता ताकि यखनी तैयार हो। सही। चाहे गोश्त हो और चाहे चिकन हो, जब ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा फिर इसमें गलाने के लिए आप पानी डालें और जब गोश्त गल जाएंगे तो चिकन है इसको तो हम इतना टाइम नहीं देंगे, तो जब वो गल जाए फिर आप उसमें नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे किस तरह उसमें 1.5 से 2 मिनट उबले हुए चावल हम डालेंगे। सही। 1.5 से 2 मिनट उबाल के चावल और उसको हम डालेंगे। ये चावलों के लिए पानी हमने रखा है उबालने के लिए इस पतीले में। Okay, ready? अब मुझे चाहिए कितना पतीला चावल से। अच्छा तो ये कितना पानी हमने इसमें ऐड किया? इसमें फिलहाल हमने 2 लीटर पानी। ओके। बाद में हम चावलों के हिसाब से पानी पूरा करेंगे। चावल डालेंगे। पानी बॉयल हो गया। हमने इसमें नमक कितना डाला था पानी में? तकरीबन 10 खाने के चम्मच। और चावल की क्वांटिटी 2.5 किलो। 2.5 किलो चावल है। दोबारा नमक चेक करेंगे, अगर जरूरत हुई तो हम बाद में डाल सकते हैं। ओके। हमारे पास ऑप्शन हो। सही। और कितने मिनट तक बॉयल करने चावल? 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट बॉयल करने बस। खाना
ये सेला चावल है ना जी, में सेला चावल ही बनता है। तो ये हमारा हो चुका, इसका पानी भी बॉयल हो गया जी। चावल उबलना शुरू हो गए हैं, 9:45 हुए हैं और इंशाल्लाह 9:46 पे हम इस चावल को उतार लेंगे। सही है। ये 2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला और ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे ठीक है ना। मकवाकिन से प्रे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी और ऐड करेंगे और इसके अंदर नमक भी ऐड करेंगे, नमक क्योंकि कम। ओके कितना नमक और ऐड करेंगे? 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। पानी इतना कि बस ये हल्के हल्के डूब जाए। ऊपर नहीं लगे। सही। और ये मेवा ऐड कर। और ये काज। वो सब्जी में से वो तीस। ढक ले। आज तेज कर लें ताकि ये पानी खुशक हो, फिर हमने इसको दम पे लगाना है। ओके। दम के लिए कोई अच्छा सा कपड़ा ले आओ, मोटा सा। ओके ओके। तो ज्यादा छेड़ेंगे नहीं, बस साइड से ऐसे देखेंगे। ये देखिए अभी इसमें यखनी है ठीक है, तो लिहाजा इसको हम थोड़ी देर के लिए और ताकि ये पानी खुश हो जाए, फिर इसको हमने दम दें। ओके। आधा घंटा इसको हमने इस फ्लेम पे दम देना है। तो ये हमने दम से हटा दिया। पानी चाहिए मम्मा।
मार्च में पानी